बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम को उनके फार्म हाउस की जांच के दौरान कुछ आपत्तिजनक दवाइयां बरामद हुई। सतीश कौशिक को लेकर शुरुआती जांच में बताया गया कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, लेकिन पुलिस को मिली इन आपत्तिजनक दवाइयों से कई शक के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी की जांच को लेकर पुलिस ने होली की गोपनीय पार्टी में शामिल हुए मेहमानों की लिस्ट और द्वारका के सेक्टर 23 के पुष्पांजलि फार्म हाउस को खंगालना शुरू कर दिया है, जहां सतीश कौशिक ठहरे थे। हालांकि पुलिस अभी ये साफ कर चुकी है कि अभी तक उन्हें जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, न ही एक्टर की बॉडी पर किसी प्रकार के निशान पाए गए। फिलहाल पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान दे रही है। पुलिस को सतीश कौशिक की डिटेल पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। इसी के बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि सतीश कौशिक दिल्ली में अपने एक दोस्त के फार्म हाउस में होली पार्टी के लिए आए थे और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। VK News, राष्ट्र के नाम।